अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मनीष टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं आपका दोस्त मनीष और मेरे चैनल मनीष टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का ये वीडियो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है, क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 30 जून तक है। तो इसे जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड से लिंक कर लेना है, नहीं तो हो सकता है भारत सरकार से अगले महीने से बैन भी कर दे पैन कार्ड को हमारे, फिर हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आगे वीडियो में देखिए इसे हम कैसे आसान से तरीके से लिंक करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। मैं किसी दूसरे ब्राउजर का समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे वो यूसी ब्राउजर हो या ओपेरा मिनी हो, उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा जितना हो सके गूगल का ब्राउजर क्रोम ब्राउजर का ही उपयोग करें। और सर्च बार में टाइप करेंगे पैन लिंक आधार, मैंने पहले से ही टाइप कर रखा है, और सबसे ऊपर जो आपका पहला ऑप्शन आए लिंक आधार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आप इसे टच कर लेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है पैन का, तो आप इसमें अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। मैंने अपना तो पहले ही लिंक कर रखा है, तो मैं अपनी वाइफ का पैन कार्ड लिंक करके आपको दिखाता हूँ आधार से। तो पैन कार्ड नंबर इसमें हम एंट्री करेंगे, उसके बाद आधार नंबर एंट्री कर लेंगे। उसके बाद जो भी आधार कार्ड में नाम है उसे एंट्री करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और जैसा आधार कार्ड में नाम है वो एंट्री कर दिया है। और आपको किसी ऑप्शन को उसमें टच नहीं करना है, फिर नीचे जो कैप्चा कोड है उसे आपको एंट्री करना है, तो आप उसे देख लेंगे, कैप्चा कोड सही से एंट्री करिएगा, नहीं तो अगले स्टेप में आपको ये नहीं ले जाएगा। हर बार ये आपको अलग अलग कैप्चा कोड दिखाएगा। अभी मैं जो एंट्री कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरे लिए है, इसे आप मत एंट्री कीजिएगा, वो आपको आपके स्क्रीन पे वो अलग अलग शो करेगा। और इसमें आपको कुछ भी टच नहीं करना है, नीचे लिंक आधार का ये बटन आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, इसे आपको टच करना है। और ये लोडिंग हो रहा है और आप देख सकते हैं आधार पैन लिंकिंग इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हमारा ये पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो चुका है और अब हमें कुछ भी नहीं करना है, और ये बहुत ही 2-3 स्टेप में आप इसे आसानी से कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, और ये अभी सबके लिए ज़रूरी है। तो मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा अपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से 30 जून से पहले ज़रूर से ज़रूर लिंक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।